नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 10 रुपए के नोटों के बारे में। भारत के स्वतंत्र होने के बाद अब तक कई तरह के 10 रुपए के नोट जारी किए गए हैं, जिनमें से मेरे पास 10 तरह के 10 रुपए के नोट हैं। हमारा पहला 10 रुपये का नोट 1943 में इशू किया गया फाफड़ा नोट था, जो कि किंग जॉर्ज VI के शासनकाल के समय में जारी किया गया था। ये नोट भारत की आजादी के बाद भी व्यवहार में लाया जाता रहा और ये नोट 27 अक्टूबर 1957 यानी 27 अक्टूबर 1957 में डीमोनेटाइज कर दिया गया। इस नोट के बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बना हुआ था और दाहिनी तरफ किंग जॉर्ज VI की तस्वीर बनी हुई थी। नोट की बाईं तरफ नीचे की ओर RBI गवर्नर CD देशमुख के सिग्नेचर थे। नोट के पिछले भाग में एक नाव की तस्वीर बनी हुई थी और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो बना हुआ था। बाईं तरफ कुछ भारतीय भाषाओं में 10 रुपया लिखा हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 रुपये के बदले में 10 रुपया लिखा हुआ था। ये गलती कई नोटों में किया गया था और ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, जो कि बाद में इशू किए गए नोटों पर सुधार किया गया। इस नोट की साइज थी 146x82 mm और ये फाफड़ा नोट भी कहलाता था। 1957 में ये नोट बंद होने के बाद 1962 में ये दूसरा फाफड़ा नोट जारी किया गया था, जो कि डिज़ाइन में बिल्कुल एक समान था। सिर्फ इसमें अंतर था जो कि दाहिने साइड में किंग जॉर्ज VI की तस्वीर के बदले में भारतीय राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। इस नए नोट में दोनों ही ओर नोट के सीरियल नंबर लिखे हुए थे और RBI गवर्नर का सिग्नेचर बीच में हुआ करता था। इस नोट पर RBI गवर्नर PC भट्टाचार्य के सिग्नेचर थे। पुराने नोट पर किंग जॉर्ज VI का वाटरमार्क हुआ करता था और नए नोट पर भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था। नोट का पिछला भाग भी एक समान था, यहाँ पे भी एक नाव बनी हुई थी, पर नए नोट में कुछ ज़्यादा भारतीय भाषाओं में 10 रुपये लिखे हुए थे। पिछले नोट की अपेक्षा इस नोट पर हिंदी से भी 10 रुपये लिखे हुए थे। दोनों ही नोट 146x82 mm के थे। ये नोट 1962 से लेकर 1967 यानी 1962 से लेकर 1967 तक इशू किया जाता रहा। हमारा तीसरा 10 रुपये का नोट 1969 से लेकर 1970 यानी 1969 से लेकर 1970 तक इशू किया जाता रहा। ये नोट महात्मा गांधी के बर्थ सेंटेनरी यानी उनके जन्म के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में किया गया था। नोट में नीचे की तरफ RBI का लोगो भी बना हुआ था और बाईं तरफ विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10 रुपये लिखे हुए थे। ये नोट RBI गवर्नर LK झा के सिग्नेचर्स के साथ में जारी किए गए थे। दाहिने की तरफ भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ था और बाईं की तरफ वाटरमार्क था, जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था। ये नोट साइज में 137x63 mm का था। हमारा अगला नोट भी पिछले नोट जैसा ही दिखने में था, फर्क सिर्फ इसमें इतना ही था कि पीछे में महात्मा गांधी की तस्वीर के बदले में एक नाव की तस्वीर बनी हुई थी और ये नोट 1970 से लेकर 1990 यानी 1970 से लेकर 1990 तक इशू किया जाता रहा। नोट के अगले भाग में भी कोई फर्क नहीं था। मेरे पास ये नोट KR पुरी और S जगन्नाथन के सिग्नेचर्स के साथ में है। अगला 10 रुपये का नोट 1962 से लेकर 1970 यानी 1962 से लेकर 1970 तक इशू किया जाता रहा। ये 10 रुपये का नोट भी RBI गवर्नर LK झा के समय में इशू किया गया था। नोट के पिछले भाग में पिछले नोटों की ही तरह एक नाव की तस्वीर थी और निचले भाग में RBI का लोगो बना हुआ था और बाईं तरफ विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10 रुपये लिखे हुए थे। इस नोट की भी साइज 137x63 mm की थी। अगला नोट 1970 से लेकर 1990 यानी 1970 से लेकर 1990 तक इशू किया जाता रहा और ये नोट पीकॉक इशू भी कहलाता है, क्योंकि नोट के पिछले भाग में दो पीकॉक की तस्वीर बनी हुई थी और कुछ और जानवरों की भी तस्वीर बनी हुई थी। इस नोट पर रंगों का भरपूर प्रयोग किया गया था। पिछले नोटों में नोट का सीरियल नंबर बाईं और दाहिनी तरफ नीचे की ओर लिखे हुए थे, पर इस नोट में बाईं तरफ नीचे की ओर और दाहिनी तरफ नोट के ऊपर की तरफ नोट का सीरियल नंबर लिखा हुआ था। नोट के सामने की ओर विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10 रुपये लिखे हुए थे और बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी, जिस पर भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था और नोट के दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी।
मेरे पास ये नोट आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद है। इस नोट की भी साइज 137x63 mm की थी। अगला 10 रुपये का नोट शालीमार गार्डन इशू के नाम से जाना गया, क्योंकि इस नोट के पीछे में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में स्थित शालीमार गार्डन्स को दर्शाया गया था। आरबीआई लोगो नोट के पिछले भाग से हटाकर सामने की ओर लाया गया। इस नोट की भी साइज 137x63 mm की थी। मेरे पास ये नोट सी रंगराजन के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद है। अगला 10 रुपये का नोट महात्मा गांधी सीरीज के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इन नोटों पर दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और बाईं तरफ वाटरमार्क की जगह पर अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी का वाटरमार्क बना हुआ था। इस नोट पर आरबीआई का लोगो नोट के दाहिनी तरफ में ले जाया गया और नोट के बाईं तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर भी बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में भारत में पाए जाने वाले कुछ जंगली जानवरों को दर्शाया गया था और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10 रुपये लिखे हुए थे। मेरे पास ये नोट YB रेड्डी और D सुबराव के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद हैं। ये नोट 1996 से लेकर 2012 यानी 1996 से लेकर 2012 तक जारी किया जाता रहा। ये नोट 2011 से लेकर 2017 तक इशू किया जाता रहा। इस नोट और इससे पहले जारी किया गया 10 रुपये के नोट में सिर्फ एक ही अंतर था, जो कि 2010 में जारी किया गया रुपी सिंबल का था। जो नोट 1996 से लेकर 2012 तक इशू किया जाता रहा उस नोट पर रुपी सिंबल नहीं था, और जो 10 रुपये का नोट 2011 से लेकर 2017 यानी 2011 से लेकर 2017 तक इशू किया जाता रहा उन पर रुपी सिंबल था। इन दोनों नोटों में कुछ खास अंतर नहीं थी और दोनों ही नोट 137x63 mm के थे। मेरे पास ये 10 रुपये का नोट उस समय के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद है। 2017 से लेकर अब तक जारी किया जाने वाला 10 रुपये का नोट पिछले सभी 10 रुपये के नोटों से सबसे छोटा था। ये 123x62 mm का था। ये नोट उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास के सिग्नेचर्स के साथ में पाए जाते हैं। इस नोट पर आरबीआई लोगो सामने की ओर नोट के बीचों बीच लाया गया और दाहिनी तरफ भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया था। नोट के दाहिनी तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी, जिस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क था, और बाईं तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में उड़ीसा के कोणार्क के सन टेम्पल में स्थित रथ के पहिए को दर्शाया गया था। बाईं तरफ विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10 रुपये लिखे हुए थे, स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर बनी हुई थी और नोट के जारी किए गए वर्ष को लिखा गया था। वाटरमार्क की जगह पर महात्मा गांधी की तस्वीर और 10 लिखे हुए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे रखा है जिसमें आपको आज तक के आरबीआई गवर्नर्स और उनके 10 ईयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये रही जानकारी मेरे कलेक्शन के 10 रुपये के नोटों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।